टिकट ले ली है मैंने, और मैंने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में पढ़ा था वो तो थी टिकट 260 रुपये की, लेकिन अभी यहाँ पे आके पता चला है कि ये टिकट जो है वो 450 रुपये की है। अस्सलाम दोस्तों, मैं हूँ आरिफ अली वॉइस ऑफ सिटी के साथ, और आज बड़े दिनों बाद मुझे दोबारा मौका मिला है ट्रेन का सफ़र करने का। तो आज हम जा रहे हैं मुल्तान, तो आइए सफ़र में साथ चलते हैं और आपको दिखाते हैं मुल्तान। जी टिकट ले ली है मैंने, और मैंने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में पढ़ा था वो तो थी टिकट 260 रुपये की, लेकिन अभी यहाँ पे आके पता चला है कि ये टिकट जो है वो 450 रुपये की है। ये देखें, ये है टिकट मुल्तान की, ठीक है। अच्छा, अभी क्योंकि 9:03 हो रहे हैं और ट्रेन जो है वो तकरीबन 1 घंटा 28 मिनट लेट है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ट्रेन पहुँची है सांगला हिल से, अभी निकली है तो यहाँ पहुँचेगी 9:23 पर। ये देखें, तो अब इंतज़ार करते हैं आधा घंटा तकरीबन 20 मिनट, तो देखते हैं क्या होता है। और जी 1 घंटा 40 मिनट तकरीबन डिले के साथ और 40 मिनट इंतज़ार करने के बाद हमारी जो ट्रेन है शालीमार एक्सप्रेस वो फैसलाबाद स्टेशन पे आ चुकी है। मेरे पीछे आपको नज़र आ रही होगी, बिल्कुल यही ट्रेन है। और शालीमार जो है ना, इसका चुनाव मैंने इसलिए किया क्योंकि सबसे पहले सुबह जो है वो शालीमार यहाँ से निकलती है, तो मैंने पूरा दिन यूटिलाइज़ करना होता है वीडियो के लिए, तो मैंने सोचा यही ट्रेन सबसे बेहतर रहेगी। लेकिन ये भी 1 घंटा 40 मिनट तकरीबन डिले यहाँ पहुँची है, और अब देखते हैं कि ये मुल्तान कब पहुँचाती है और मुझे कितनी डेलाइट मिलती है। और दूसरा ये कि मास्क मैंने लगा लिया है वैसे एहतियातन, और एक चीज़ आपको बता दूँ कि मैंने जो है ना वैक्सीन लगवा ली है, कोरोना वैक्सीन जो आई है, तो वैसे मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन मास्क लगा लेना चाहिए। चलते हैं और चल के देखते हैं, क्योंकि इसमें कोई रिजर्व सीट्स तो है नहीं, तो जो सीट खाली मिलेगी उसी पे जाके जम जाएंगे और 3-3.5 घंटे का सफ़र जो है वो इसी तरह गुजारेंगे। और मुझे ये वाली बोगी जो है लग रही है कि इसमें सीट जो है ना लोग कम है, तो इसी में हम चलते हैं, इसी में बैठने चलते हैं। तो जी ये हमारी इकोनॉमी क्लास में सीट है, और अभी जो है वो 9:46 हो रहे हैं, अब ट्रेन चलना शुरू हो गई है। और थोड़ी सी मैं आपको हालत भी दिखाता हूँ हमारी ट्रेनों की, बड़े बड़े दावे और वादे तो हम करते हैं लेकिन हम काम क्या करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये ट्रेन जो है लाहौर से आ रही है और मेरे ख्याल से ये वॉश भी नहीं हुई अभी तक, इसकी मिट्टी और इसकी हालत यही बता रही है कि ये ट्रेन इसी तरह आई है और इसी तरह दूसरा ट्रिप पर जा रही है। देख दिखें,
ये हालत है जी हमारे ट्रेनों की, और इसका जो किराया है वो मुल्तान तक का वो 450 रुपये। आवाम को बस सिर्फ ठगना ही आता है उनको, तो सहूलियात तो कोई देते नहीं हमें वो। बहरहाल चले, हमें तो सफ़र करना है, हमारा सफ़र तो कट ही जाएगा, लेकिन जो बेचारे लंबे सफ़र करते हैं, जो कराची तक जा रहे हैं, उनकी क्या हालत होगी इतनी मट्टी गर्द के अंदर, गंदगी के अंदर, और फिर कोरोना जैसी सिचुएशन भी चल रही है। और जी फाइनली मुल्तान स्टेशन कैंट पे पहुंच गए हैं, और यहाँ से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि शहर में किस तरह जा सकते हैं। वैसे मैंने एक एप्लीकेशन उबर जो है वो डाउनलोड कर ली थी, उस पर मैं सोच रहा हूँ कि राइड मंगाऊँ और उसके ज़रिए ही जो है ना शहर को एक्सप्लोर करूँ। आइए चलते हैं, बाहर निकलते हैं, फिर देखते हैं कि क्या किया जाए। और जी घंटा घर के लिए जो है यहाँ से मैंने ऑटो रिक्शा किया है, आइए चलते हैं आपको भी दिखाते हैं शहर। चले जी,